रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। मेरे नैना सावन भादो, इस कारण हुआ घाटा जीडीपी में घाटा। नमस्कार दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। ये है वो प्रोग्राम जिसका नाम है भारत एक मौज। सावन भादो चल रहे हैं इसलिए जीडीपी ठप। अब जीडीपी की बात हुई है तो ये देखना जरूरी है कि जो हमारे जो सरमाएदार हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। एक ने शगुफा छोड़ा कि सावन भादों के बीच में जो है जीडीपी अपने आप ही कम हो जाता है, कि वो मेरे नैना सावन भादों इसलिए नहीं है पैसा। मैंने एक बयान दे दिया कल कि सावन और भादों में सामानों की बिक्री घट जाती है, तो सुशील मोदी वही है जिन्होंने कहा था तमाम अपराधियों से कि भाई पितृपक्ष का महीना है और 11 महीने तो तुम लोग अपराध करते हो, तो कम से कम पितृपक्ष के महीने में ये सब छोड़ दो, पुलिस तुम्हारे पीछे कम से कम इन दिनों ना लगे। तो अब सुशील मोदी जो पहले ऐसा बयान दे चुके हैं, उनसे इससे ज्यादा कुछ हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं की मंत्री है ना निर्मला सीतारमण, जो हर हफ्ते आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तमाम तरह के राहत पैकेज को वो लेकर के आ रही है, बैंकों का मर्जर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी अंदेशा होगा ना कि मंदी और सावन भादो का स्लोडाउन जो है इन दोनों के बीच में कहीं कोई तालमेल नहीं है। आजकल तो कुछ भी सुनने को मिल जाता है। गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं कि भैया अब हम जो है काउज का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे ताकि फीमेल काउ पैदा हो सके, उससे ना मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। कैसे? मैं आने वाले दिन में अब देश के अंदर जो गर्भाधान होगा, जो बच्चे पैदा लेंगे, वो केवल बछिया होगा शॉर्टेज सेक्स सीमन के तहत। अब ये मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं होगा। मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए तो कानून व्यवस्था को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा ना। ये पहला कंट्री है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हम काउस को इंसेमिनेट कर रहे हैं। हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सब जब बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आइसक्रीम तो फैक्ट्री में बनेगा संतरे का, ये गाय की फैक्ट्री कैसे होगी? आपके कारण गाय लोग है ना, जो गाय जो है वो आराम से एकदम सीना तान के घूम रही है, लो किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा दे क्योंकि मेरा बॉस योगी है। अब जब लिंचिंग की बात चली चुकी है, जब गवर्नमेंट इतने टफ स्टेप्स उठा रही है कि गायों को लेके आ गए हैं बीच में। बाय द वे, गाय से मेरे को याद आया, बीजेपी के एक मिनिस्टर को गाय से चोट लगी, गाय ने उसको टक्कर मार दी। तो इस पे एक शेर था मेरा कि लोग आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं, लोग कुत्ते से बच के चलते, हमने गाय से जख्म खाए हैं। दोस्तों, इस सरकार का नया जुमला है एनआरसी। जुमला है या नहीं है ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना। ये विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों को विदेश में भेजने की आवश्यकता है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एनआरसी के तहत 19 लाख हिंदुस्तानियों की एक लिस्ट निकली है जिनकी जो सिटीजनशिप है वो थोड़ी डूबियस हो गई है, पता नहीं है कि वो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। बेसिकली सरकार आपको ये बताना चाह रही है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, ये आपको साबित करना पड़ेगा सरकार को। उसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क है वो करना पड़ेगा, और आपको पता है हिंदुस्तान में पेपर वर्क जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आदमी मरना पसंद करता है बजाय इसके कि वो अपना लाइसेंस बनाने चला जाए, अपने आरसी बनाने चला जाए, अपने मकान की जायदाद के पेपर इकट्ठे कर ले। पेपर वर्क इतना मुश्किल काम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि डिग्री लेके आ जाएं, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो पाया है क्योंकि इतना मुश्किल काम है पेपर वर्क लेके आना। अब आपको नागरिकता के लिए वो करना पड़ेगा। एनआरसी के तहत ऐसा हुआ है कि बाज़ दफ़ा ऐसी फैमिलीज हुई हैं जिनके आधे लोग इधर रह गए हैं, आधे लोग उधर रह गए हैं। कुछ तो ऐसे फौजी रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा करी है, जिनको मेडल्स तक मिले हुए हैं, वो भी उस लिस्ट से बाहर है।
उनको भी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, और तो और हद तो तब होगी जब मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली भी उसमें नहीं है, उनको भी साबित करना पड़ेगा कि वह हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ सरकार से कि यार सारी सरकारें रायता फैलाती हैं, आप भी फैलाओ, आपको भी पूरा हक है, मौका आपको मिला हुआ है, लेकिन ठीक से तो फैलाओ ना यार, एक काम तो ऐसा कर दो ना जिसमें कोई कमी ना निकाल सके। रायता भी फैला रहे हो तो वो भी समिट में नहीं आ रहा है। तो सरकार से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप ज़रा एक रोड मैप भी बता दें हमको कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उनका आप करेंगे क्या, क्योंकि उनकी आधी फैमिली इधर है जैसे कि मैंने कहा, आधी उधर रह गई हैं, कुछ लोगों का ये है कि पुश्तों से यहाँ पर रह के आ रहे हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इनका आप करेंगे क्या? पहले तो आपका रिटोरिक ये था कि फलाने को पाकिस्तान भेज दो, अब आपका ये कि इनको बांग्लादेश भेज दो, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग असल बात ये सच्चाई ये है कि आज की डेट में पाकिस्तान का और बांग्लादेश का GDP हमसे बेहतर है, तो वो क्यों लेंगे हमें? भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। अब बात करते हैं भारत के सबसे करामाती प्रदेश उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट ने जाके मिड डे मील के ऊपर थोड़ी सी रिपोर्टिंग कर दी कि वहां पे किस तरीके से बच्चे जो है नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। देखो एक तरफ तो हम चांद पे सैटेलाइट भेज रहे हैं जो कि कमेंडेबल बात है, दुनिया से कंधा मिला के चल रहे हैं, कमेंडेबल बात है, $1 trillion की इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। एक बंदे ने, उसके अंदर इंसानियत थी, उसने इसकी रिपोर्टिंग कर दी तो उसके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हो गए, उसे ही धर लिया है। बहुत खुशकिस्मत है यार, एक तो रोटियां ऊपर से माँ के हाथों की बनाई। बोल क्या कीमत लगा इन रोटियों की? रोटियां बेची नहीं जाती, बांटी जाती हैं। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूं, भूख लगे तो खा लेना। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया, ये सबका माल लौटा दे रे। ओके ओके, दिल खट्टा हो गया। और DM साहब ये बता रहे हैं जस्टिफाई करते हुए इन एक्शंस को कि ये तो जो है एक्चुअली ये प्रिंट जर्नलिस्ट है, ये वीडियो क्यों ले रहा है। यार सीरियसली क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं, वो इशू नहीं है, इशू ये है कि प्रिंट जर्नलिस्ट वीडियो क्यों बना रहा है। तो आप प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, आप तो फोटो खींच लेते, आप जो आपको गंभीरता लग रही थी आपकी गलत हो रहा है तो आप उसको छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लगी, लगा कि उन्होंने 120 में शामिल है तो उनके विरुद्ध ही मुकदमा कायम। पर उत्तर प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है, हर यहाँ पे सिर्फ सवाल है, उत्तर नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाय द वे बिजली के दाम 12% बढ़ गए हैं। ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पहचानो, कहाँ से लाए? ये कहाँ से लाए तुम? ये तुम्हारे माँ के हाथों से बनी वही ज्वार की रोटी है जिसे खिला खिला कर उसने बचपन में तुम्हें पाला। दोस्तों क्योंकि प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज और इस देश में जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ मौजों की कोई कमी नहीं है, तो अब ऐसी कुछ दो चार मौजें आपके सामने बताता हूँ कि जो बाबा रामदेव के राइट हैंड मैन है आचार्य बालकृष्ण, जो इतने दिन से भाषण पिलाते आए हैं कि योगा करो योगा करो, एलोपैथी बेकार है, फलाना बेकार है, हॉस्पिटल जाते हो तो आपके ये टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, आपको पागल बनाते हैं, वो बीमार हो गए। कि डॉक्टर ने कहा जा ये जाकर कि ये करवा के ला, तू अल्ट्रासाउंड करा ले, एक्सरे करा ले, ये ब्लड सैंपल करवा ले, क्यों भेजा जाता है? 70% अनावश्यक होता है, 70 से 80% और बीमार होने के बाद वो पहुंचे एम्स और एम्स के डायरेक्टर ने उनके क्या क्या टेस्ट करे ये देखिए आप। जब आपके पास आए, जब उन्हें एडमिट कराया गया, आपने सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट किया, किस तरीके से इलाज किया? हम लोगों ने सबसे पहले उनका एक ECG किया, फिर इकोकार्डियोग्राफी किया, फिर ब्लड गैस चेक करी, फिर इलेक्ट्रोलाइट चेक किए, फिर सारे ब्लड टेस्ट कराए, उसके बाद में MRI ब्रेन किया, ICU में पूरी मॉनिटरिंग की, सब कुछ देखा और 2 दिन में ही पूरी तरह स्वस्थ होकर आचार्य बालकृष्ण चले गए। और सरकार का पेट प्रोजेक्ट JNU, उसके बारे में उन्होंने नया काम किया है कि JNU के एक बहुत दुनिया भर में विख्यात प्रोफेसर रोमिला थापर, जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के जनरेशन्स IAS अधिकारी बने हैं, जुडिशरी में पहुंचे हैं, गवर्नमेंट में पहुंचे हैं, उनसे पूछा गया है JNU के द्वारा कि अपना CV दो। मैं कह रहा हूँ वो CV अगर दे दिया उन्होंने, वो इतना भारी होगा पूरा JNU दब जाएगा उसके नीचे। लेकिन मजे की बात यह है कि जिनसे हमें डिग्री मांगनी चाहिए उनके पास तो डिग्री है नहीं,
और जिनसे हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए उनसे हम सीवी मांग रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है इस मुल्क के अंदर। कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, चला सोच लो। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप यही दुआ करते हैं कि काश ऐसा हो कि इतने बड़े बड़े प्रोफेसर जिनके दुनिया भर में नाम है, ये उनके आपके बच्चों को पढ़ाए, उनको थोड़ा सा ज्ञान दें, लेकिन या तो नीचे सीवी माना जा रहा है। मुझसे ये उम्मीद लगा कर लोगो साहब, तुम अनजाने में मेरी बेइज्जती कर बैठे हो, मेरे जमीर की, मेरे विचारों की, मेरी जिंदगी के हर मकसद की। मेरा कहना यह है कि सरकार के डिस्ट्रैक्शन हैं, इसका होना जाना कुछ नहीं है। सरकार ने बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से आपका ध्यान हटाना है, इसलिए बीच बीच में ये शगुफे छोड़ते रहते हैं कि आप रोमिला थापर से सीवी मांग लेते हैं, और मैं लिख के दे रहा हूँ, कल को कुछ और शगुफा होगा छोटा सा, आप वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस बीच GDP 5-3, 3-2, 2-1, अभी तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे हैं, ऐसा ना हो सूडान से भी पीछे हो जाएं। तो चंद्रयान 2 की स्पेशल कवरेज जारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आए हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे, और शायद इससे आगे की तकनीक भी विकसित हो जाए जब 2050 के आसपास वहां पर इंसानी कॉलोनी बन जाए। दोस्तों, भारत एक मौज सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से भी बाहर है, और इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा उन सारे नॉर्थ इंडियंस का जो पहुंच गए जर्मनी में इंडियन कॉन्सुलेट में। कॉन्सुलेट ने एक डिनर ऑर्गेनाइज करा था एक फेस्टिवल के ओकेजन के ऊपर, जिसमें बीफ सर्व हो रहा था, जो कि एक स्प्रेड है, आपने नहीं खाना मत खाओ, लेकिन नॉर्थ इंडियंस वहां पे पहुंच गए और उन्होंने वहां पे जाके शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो बकवास है, ये बीफ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लोगों ने पुलिस भी बुला ली, पुलिस आई, जर्मनी की पुलिस, उन्होंने बोला कि भाई ये नाटकबाजी आपको करनी है तो अपने मुल्क में करो, यहाँ करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारा कंट्री है, यहाँ पे सबको हक है, जिसको जो खाना है वो खाए। ये पृथ्वी तो इस विशाल ब्रह्मांड का एक अदना सा हिस्सा है, और अंधेरे को इस पूरे ब्रह्मांड में फैलना है। जर्मनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने फासिज्म फैलाया है, जो शर्मिंदा है आज तक, लेकिन नॉर्थ इंडियंस को क्या लेना देना, उनको अपनी दाल मखनी और शाही पनीर मिल जाए और बटर नान मिल जाए, उनको क्या लेना देना है। भारत एक मौज। दोस्तों, इतने दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम, भारत एक मौज, जिसमें हम जो है खबर लेके आते हैं, उसके बाद अपना टेक लेते हैं उसके ऊपर। बेसिकली खबरें क्या हैं कि ये सरकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे अभी मैंने आपको खबरें सुनाई, कुछ इधर उधर के शगुफे छोड़ते रहते हैं और हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, वो लेके आते हैं आपके सामने, उस हम बोलते हैं तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अब थोड़ा सा ना इस साइकिल से बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट करने की, क्योंकि सरकार 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 चिल्ला चिल्ला के मैं पक गया हूँ, मेरी पूरी टीम पक चुकी है। सरकार ने जो करना है वो करना है, कोई भी सरकार हो उसका काम ही है। हमारा काम यह है कि हम इनसे बाहर निकल के कुछ ऐसा करें जो आप देखने के बाद आप सोचें कि हाँ भाई, आज जो है मैंने कुछ देखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से ना कुछ नए फॉर्मेट के साथ आपके सामने फिर से आए उस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सबे सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।
We'll be right back.